हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनिटी टैब के बारे में कि आखिर ये टैब क्या है और यूट्यूब पर इस टैब का क्या यूज़ है। दोस्तों कुछ महीने पहले ये टैब फीचर्स लॉन्च हुआ है, मगर ये कम्युनिटी टैब सभी यूट्यूबर्स के लिए नहीं मिला और सभी को मिलने का कोई खास कारण भी नहीं है कि आपके लिए 10,000 सब्सक्राइबर ही हों या फिर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हों। ये टैब किसी भी छोटे या बड़े यूट्यूबर्स को यूट्यूब अपने तरफ से किसी को भी दे सकता है, मगर यूट्यूब इसे किस कंडीशन में देता है इसका जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है। दोस्तों इस टैब के द्वारा आप अपने चैनल पर कोई भी इमेज, जिफ या फिर फेसबुक की तरह टेक्स्ट लिखकर भी पोस्ट कर सकते हैं और अपनी कोई भी आने वाली पोस्ट के बारे में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों ये टैब कुछ यूट्यूबर्स को मिलने के दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आखिर जिन यूट्यूबर्स को ये टैब मिला है उनकी यूट्यूब की तरफ से कंडीशन पूरी हो सकती हैं, इसलिए हो सकता है उनके लिए ये टैब मिल चुका होगा। और दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि YouTube को ये फीचर्स कुछ लोगों को देकर ये देखना हो सकता है कि आखिर लोगों के बीच में इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, इसके क्या लाभ और क्या हानि हो सकते हैं। शायद इसीलिए ही अभी सभी लोगों के लिए ये अवेलेबल नहीं किया हो। और दोस्तों कुछ सर्च में ऐसा भी आया है कि जिन लोगों का चैनल बेटा प्रोग्राम के लिए रेडी हो चुका है उन्हें ये टैब मिल सकता है। तो दोस्तों ये कैसे चेक करें कि हमारा चैनल भी बेटा प्रोग्राम में आ चुका है, तो इसे कैसे चेक करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे? तो दोस्तों और जो हम इस वीडियो में प्रोसेस बता रहे हैं उसे पूरा करके जरूर रखिए, तो हो सकता है कुछ दिनों में ये टैब आपके लिए भी मिल जाए। तो दोस्तों ये सब प्रोसेस जानने के लिए हमारा ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आखिर ये पोस्ट कैसी होती है या किस तरह से दिखती है। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल में YouTube ऐप ओपन कर रखा है और ये जो सामने पोस्ट दिख रही है आपको, यहाँ पर इस पोस्ट के नीचे डायरेक्ट आपको लाइक और डिसलाइक का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये कम्युनिटी टैब के द्वारा पोस्ट की गई है और इन्होंने ये वीडियो पोस्ट की है। तो इस टैब के द्वारा आप वीडियो, इमेज, जिफ या फिर कोई भी टेक्स्ट लिखकर पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सेकंड पोस्ट देख रहे हैं, यहाँ पर मनी गुरु नाम का ये जो चैनल है इन्होंने सिर्फ टेक्स्ट लिखकर ही पोस्ट किया है और इन्होंने अपनी कोई भी आने वाली वीडियो या फिर किसी भी तरह की जानकारी टेक्स्ट लिखकर दे सकते हैं अगर आपके पास कम्युनिटी टैब है तो। और बेसिक इसमें लाइक डिसलाइक का ऑप्शन सामने ही आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने चैनल पर ये चेक करूंगा कि मेरे चैनल पर भी कम्युनिटी टैब है या नहीं। तो ये किस तरह से देखते हैं और कहां पर आता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। तो इसके लिए मैं क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब ओपन कर रहा हूं। आप चाहे तो कोई भी ब्राउज़र में यूट्यूब यानी अपना चैनल ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हमारे ये यूट्यूब ओपन हो जाता है तो मैं अपने चैनल में जाऊँगा। तो इसके लिए आप चाहे तो अपने आइकॉन पर टच करके क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद चैनल में चले जाइए, या फिर ये आपको साइड में थ्री लाइंस जो बनी है इस पर टच करके, जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर माय चैनल का ऑप्शन आ जाता है और आप जैसे ही इसे टच करते हैं तो आप अपने चैनल पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए मेरा यहाँ पर चैनल ओपन हो चुका है और अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है नीचे, होम, वीडियोज, प्लेलिस्ट, चैनल, डिसीजन और अबाउट। यहाँ पर मेरे पास कम्युनिटी टैब का ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके पास कम्युनिटी टैब का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है तो यहाँ पर वो ऑप्शन ऐड हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि हमारा चैनल बेटा प्रोग्राम के लिए रेडी हो चुका है या नहीं। तो इसके लिए चैनल आइकॉन पर टच करके क्रिएटर स्टूडियो पर टच करेंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पर टच करेंगे जिससे कि हमारा पेज सही से दिखने लगे। और ये हम चैनल के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पर स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे ब्लू कलर की पट्टी पर जिस पर लिखा है यूट्यूब स्टूडियो बेटा, यानी हमें ये ऑप्शन मिल चुका है। और जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर टच करता हूँ तो एक नया पेज ओपन होता है यूट्यूब स्टूडियो बेटा का। ये पेज दोस्तों आपको तभी ओपन होगा तब आपके लिए इस पेज की एंट्री के लिए ये ऑप्शन मिल जाएगा। तब इसके लिए एक लिंक भी है जिसको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका चैनल इसके लिए रेडी हो चुका होगा तो ही आप इस पेज पर आ पाएंगे। तो चेक कीजिए इस लिंक के द्वारा। इस लिंक को कॉपी करके आप जिस ब्राउज़र में यूट्यूब को लॉग इन करते हैं उसी ब्राउज़र में
इस लिंक को जैसे ही आप पेस्ट करके सर्च करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अगर आप इस पेज पर नहीं आ पाए तो समझिए कि आपका चैनल अभी बीटा प्रोग्राम के लिए रेडी नहीं है। तो दोस्तों अब आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे? दोस्तों आप जिस ब्राउज़र में यूट्यूब लॉगिन है उसी ब्राउज़र में आपको एक लिंक और टाइप करना है। इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कम्युनिटी टैब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो लिंक हम टाइप कर रहे हैं ये आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इसे कॉपी करने के बाद जैसे आप इसे पेस्ट करके सर्च करेंगे तो आप एक यूट्यूब बिल्ड पेज पर पहुंचेंगे, जहां पर आपको अपने चैनल की आईडी देना है और सबमिट करना है। तो ये देखिए कैसे, ये जो आप लिंक देख रहे हैं ये आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और इसे सर्च जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर हम एक YouTube स्टूडियो बिल्ड पेज पर पहुँचेंगे। और अब आपके सामने ये जो बिल्ड विद अस का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसे जैसे ही आप टच करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको एक ब्लैंक बॉक्स होगा, उसमें आपको अपने चैनल की आईडी डालना है और सबमिट करना है। मैं इसे जैसे ही टच करता हूँ तो मेरे सामने वो पॉपअप नहीं आएगा क्योंकि मैं चैनल आईडी डालकर सबमिट कर चुका हूँ। और जैसे ही मैं इसे टच करता हूँ तो मैं अब यहाँ पर यानी YouTube स्टूडियो बीटा के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाता हूँ, मगर आपके सामने वो पॉपअप आएगा और उसमें आपको अपने चैनल की आईडी डालकर सबमिट करना है। तो आपको अपने चैनल की आईडी मिलेगी कहाँ से? अगर आप जानते हैं चैनल आईडी कहाँ से मिलेगी तो आप सबमिट कर दीजिए, और आपको पता नहीं है कि चैनल आईडी कहाँ से लेना है तो आप यहाँ से मैं बता देता हूँ। आप जैसे ही लॉगिन होने के बाद अपने चैनल में जाएंगे तो ये जो थ्री डॉट दिख रहे हैं इस पर टच करने के बाद ये जो माय चैनल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टच करेंगे तो आपका चैनल ओपन हो जाएगा। और अब आपके चैनल के जो ऊपर सर्च बार है जैसे आप इसे टच करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने चैनल की आईडी मिल जाएगी, मगर आपको ये लेना कितना है ये पूरी आपकी चैनल आईडी नहीं है। आपकी चैनल आईडी है केवल HTTP से लेकर और बीच में ये जो लिखा है चैनल स्लैश, ये आपको नहीं लेना है। और उसके बाद से जितना भी ये जो मैंने कर्जर रख दिया है UC4 से लेकर आपको डेस्कटॉप तक ये सभी कॉपी कर लेना है और उस पॉपअप के अंदर जो बॉक्स है उसमें पेस्ट करके सबमिट कर देना है। यानी चैनल स्लैश तक का आपको सब यानी लेफ्ट साइड का आपको नहीं लेना और UC4 से लेकर डेस्कटॉप यानी जो भी आपके अंक आए जो भी आपके शब्द आए वो सभी को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जो पॉपअप आएगा उसमें पेस्ट करके सबमिट कर देना है। और हो सकता है दोस्तों कि कुछ दिनों में ही आपके लिए कम्युनिटी टैब का ऑप्शन मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो मैंने पिछली पोस्ट की थी जो कम्युनिटी टैब का जैसा लुक देकर एक पोस्ट की थी तो दोस्तों मुझे उस पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब उस पर भी ऐड देगा। तो दोस्तों इस तरह की पोस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।